मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कस्टर्ड बनाना बताऊंगी। ये बहुत आराम से और इजीली बन जाता है। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने फीडबैक जरूर बताइए कैसा लगा आपको। कस्टर्ड बनाने के लिए ये हमने ग्रेप्स लिए फ्रेंड, और बड़े ग्रेप्स थे इसलिए हमने दो टुकड़ों में कट कर लिया है। ये हमने एक केला लिया है, इसे भी हमने छोटे टुकड़ों में कट किया है। एप्पल को भी हमने, सेब को भी हमने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया। एक बाउल हमने अनार के दाने लिए हैं, और ये कस्टर्ड पाउडर है, हमने दो बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। एक बाउल हमने शक्कर लिया है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, कुछ काजू है और कुछ बादाम है, इनको हमने छोटे टुकड़ों में कट करके रोस्ट कर लिया है फ्रेंड। और ये किशमिश है, इसको हमने हल्का सा पानी में पहले भिगो के रखा था फ्रेंड, तो ये इस तरह से सॉफ्ट हो गया है। और इधर हमने एक लीटर दूध बॉयल होने रखा है फ्रेंड, ये बॉयल भी हो गया है। कस्टर्ड में आप अपने मन मुताबिक जो आपको फ्रूट्स अच्छा लगता है फ्रेंड, वो फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कौन सा फ्रूट डलेगा, आप अपने टेस्ट के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप डाल सकते हैं। ये बॉयल हो गया फ्रेंड दूध, इसमें मैं शक्कर ऐड करूंगी और एक बॉयल आने दूंगी। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गया और ये बॉइल भी होने लगा फ्रेंड। अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा पानी मिक्स करूंगी, आप इसमें दूध भी मिक्स करके पेस्ट बना सकते हैं फ्रेंड। ठंडा दूध मिक्स कीजिए और इस तरह से इसका पेस्ट बनाइए। देखिए ये अच्छे से घुल गया। हमने वेनिला एसेंस, वेनिला फ्लेवर का लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो लीजिए। देखिए एकदम इस पेस्ट इस तरह से हमने पतला घोल के तैयार कर लिया। अब इसमें फ्रेंड धीरे धीरे मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे रखूंगी और धीरे धीरे ये डालूंगी इस तरह से, और कंटिन्यू चलाते रहूंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर हम गैस बंद कर देंगे। ये हो गया फ्रेंड, अब गैस बंद करती हूँ और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देती हूँ। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, अब मैं इसमें सर्व करती हूँ फ्रेंड। ये काफी अच्छे से ठंडा हो गया है और अब मैं इसमें सारे फ्रूट्स ऐड करूंगी। ये अनार के दाने और ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए थे, ये किशमिश को हमने भिगो के थोड़ा सा सॉफ्ट करके लिया है, ये ग्रेप्स है, आप अपने मनपसंद फ्रूट्स इसमें ऐड कीजिए, ये केला, और ये एप्पल। इन सबको फ्रेंड्स आराम से धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे और इसे फ्रिज में दो घंटे के लिए चिल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए काफी अच्छा बना है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और काफी टेस्टी भी है फ्रेंड। इसे जरूर घर पे ट्राई कीजिए।